हाय, माय नेम इज रिया खन्ना एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के लेसन में आप सीखने जा रहे हैं हाउ टू राइट परफेक्ट एसे का पार्ट 3, यानी कि कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब है एक परफेक्ट एसे के लिए एंडिंग पैराग्राफ, और मैं सिखाऊंगी एंडिंग पैराग्राफ कैसे लिखते हैं। मेरी पिछली वीडियोस में, यानी कि पार्ट 1 में आपने इंट्रोडक्शन सीखा, इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, पार्ट 2 में आपने बॉडी पैराग्राफ सीखा। लेकिन अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, देन प्लीज डू वॉच द वीडियोस, क्योंकि अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा हाउ टू राइट परफेक्ट एसे का और पार्ट 2 भी नहीं देखा, तो आपको इस लेसन पार्ट 3 की वैल्यू थोड़ी कम मिलेगी। इस वीडियो का सीक्वेंस कुछ इस तरह से है। पहले आप सीखेंगे हाउ टू राइट, कंक्लूजन लिखना कैसे है। फिर आप सीखेंगे व्हाट टू राइट, कंक्लूजन में किस तरह की लाइंस, कैसी लाइंस लिखनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कंक्लूजन में क्या लिखना है। फिर मैं आपको दिखाऊंगी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, 8 बैंड या 9 बैंड के एसे का कंक्लूजन दिखता कैसे है। और लास्ट में होगा आपका फेवरेट पार्ट, असाइनमेंट। स्टार्ट करते हैं हाउ टू राइट से। बहुत सारे स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं एसे के, बॉडी पैराग्राफ्स पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, और उनका मानना ये होता है कि ये दो पैराग्राफ्स जो हैं, इंट्रो और बॉडी जो है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छी होनी चाहिए, तब हमारे स्कोर्स अच्छे आएंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ जितना एसे का इंपॉर्टेंट होता है, उतना ही इंपॉर्टेंट होता है कंक्लूजन। कंक्लूजन को हम कैजुअली नहीं लिख सकते। ऐसा नहीं है कि कंक्लूजन में कुछ भी लिख दिया जाए, ये कुछ भी लिखने से ही आपके स्कोर्स एसे में कम रह जाते हैं। हाउ टू राइट का सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको 3 से 5 लाइन बस कंक्लूजन में लिखनी है। 8-10 लाइन का पैराग्राफ नहीं बनाना, 3 से 5 लाइन मैक्सिमम होती है। सेकेंडली, जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू राइट व्हाट यू हैव रिटन। यस, यू राइट इन कंक्लूजन व्हाट यू हैव रिटन ऑलरेडी। आपने इंट्रो पैराग्राफ में और बॉडी पैराग्राफ में जो लिखा होता है, उसी को आप रीराइट करते हैं कंक्लूजन में। वही लाइंस को, वही आइडियाज को आप कंक्लूड करके कंक्लूजन में लिखते हैं। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, यू राइट व्हाट यू हैव रिटन ऑलरेडी इन द एसे। थर्ड पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये पॉइंट है कि आपका कंक्लूजन पैराग्राफ दिखना कंक्लूजन की तरह चाहिए। अगर मैंने कहा कि कंक्लूजन पैराग्राफ कंक्लूजन की तरह दिखना चाहिए, तो ये दिखेगा कैसे, और एग्जामिनर भी ये देख रहा होता है कि ये कंक्लूजन पैराग्राफ है या नहीं। इसके लिए आपको एक कनेक्टर लगाना बहुत जरूरी है, जो ये शो कर सके कि ये कंक्लूजन है, जैसे इन द एंड और मे बी इन द कंक्लूजन और द फाइनल पैराग्राफ। कोई भी कनेक्टर आप लगा सकते हैं जो ये दिखा सके कि ये कंक्लूजन पैराग्राफ है। तो ये 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है हाउ टू राइट कंक्लूजन के लिए। अब हम सीखने जा रहे हैं व्हाट टू राइट। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है व्हाट टू राइट, कंक्लूजन में लिखना क्या है। व्हाट टू राइट के लिए मैंने सैंपल लिया है स्ट्रक्चर का, जो कि एक ओपिनियन एसे का है। एसे 3-4 तरह के होते हैं, लेकिन मैंने जो सैंपल लिया है वो ओपिनियन एसे के कंक्लूजन का। ओपिनियन एसे का कंक्लूजन बनाने वक्त जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से है। सबसे पहले आपको लिखना है अपना ओपिनियन, जो आपने एसे में बनाया है, जो आपने एसे में लिखा है, जो आपका आइडिया था, सबसे पहले आपको उसको दोबारा रिक्रिएट करना है, पैराफ्रेज करके दोबारा लिखना है। सेम लैंग्वेज में नहीं, पैराफ्रेज करके दोबारा लिखना है। प्लस आप लिख सकते हैं एक वार्निंग या एक सजेशन, एक चेतावनी या एक एडवाइज, एक सलाह। ये दोनों चीजें जो है वो ऑप्शनल है, एग्जामिनर आपसे डिमांड नहीं कर रहा। ध्यान से सुनिए, ये एसे की डिमांड नहीं होती कि आप वार्निंग या सजेशन लिखें। लेकिन अक्सर आपने नोटिस करा होगा कि बच्चे जब एसे लिखते हैं, जब आप लोग एसे लिखते हैं, तो कंक्लूजन में सजेशन को बहुत इंपॉर्टेंट मान लेते हैं। ओपिनियन एसे के स्ट्रक्चर में ओपिनियन दोबारा लिखना कंक्लूजन होता है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, मैंडेटरी है, ऑप्शनल है। ओपिनियन के साथ आपने कोई वार्निंग दी है या आपने सजेशन दी है। तो ये है कंप्लीट स्ट्रक्चर व्हाट टू राइट इन अ कंक्लूजन ऑफ एन ओपिनियन एसे। आप अभी देखने जा रहे हैं सैंपल कंक्लूजन पैराग्राफ का, जो कि 8 और 9 बैंड का सैंपल है, और ये ओपिनियन एसे का है।
एक ओपिनियन ऐसे का कंक्लूजन पैराग्राफ का 8 और 9 बैंड का सैंपल। कंक्लूजन पैराग्राफ का सैंपल देखने से पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है ये कंक्लूजन किस क्वेश्चन के ऊपर बनाया गया है, किस एसे के ऊपर बनाया गया है। ऐसे है ये, ऑनलाइन एजुकेशन इज द बेस्ट ऑप्शन ड्यूरिंग COVID-19। ऑनलाइन एजुकेशन लेना बेस्ट ऑप्शन है COVID-19 के टाइम पर। अब इस एसे का कंक्लूजन जो है आप सैंपल में देखेंगे। बीइंग अ राइटर ऑफ दिस कंक्लूजन, मैंने इसका ओपिनियन जो है यस में दिया है कि मैं मानती हूं कि COVID-19 के टाइम पर ऑनलाइन एजुकेशन बेस्ट आइडिया है। तो मैंने अपनी कंक्लूजन पैराग्राफ में अपना अग्रीमेंट इस तरह से शो करा है। तो कंक्लूजन पैराग्राफ आप स्क्रीन पर देखिए। इन कंक्लूजन, ड्यूरिंग पैंडमिक द ऑनलाइन एजुकेशन इज एन अल्टीमेट वायबल ऑप्शन फॉर द लर्नर्स कंसिडरिंग द ट्रेवल एक्सपेंसेस, टाइम वेस्टेज एंड health concerns, provided the learner knows and ready to take the technical gadgets and requirements of online education. ये है सैंपल हमारा कंक्लूजन का। अब मैंने जो आपको सारे पॉइंट्स दिखाए थे, अब मैं उनको हाईलाइट करके दिखाती हूं। मैंने आपको कहा था कंक्लूजन 3 से 5 लाइंस का होना चाहिए, 3 से 5 लाइंस का। दूसरा, मैंने आपको कहा था कि कंक्लूजन पैराग्राफ शुड लुक लाइक कंक्लूजन, मतलब एक कनेक्टर ऐड करना या एग्जामिनर को यह दिखाना कि ये कंक्लूजन है, ये बहुत जरूरी है। तो इसके लिए पैराग्राफ का स्टार्ट एक कनेक्टर से है, इन कंक्लूजन। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि स्ट्रक्चर इस तरह से है कि पहले आपको ओपिनियन लिखनी है। तो जैसे मैंने बताया था कि मैं इस एसे से अग्री करती हूं, मेरा मानना भी यही है कि COVID-19 में ऑनलाइन एजुकेशन बेस्ट ऑप्शन है। तो मैंने अपने एसे में जो थॉट्स सोचे थे और जो लिखे होंगे वो सारे इस ओपिनियन में इसी तरह प्रेजेंट किए गए हैं। ड्यूरिंग पैंडमिक द ऑनलाइन एजुकेशन एक अल्टीमेट वायबल, एक प्रैक्टिकल ऑप्शन है। कंसिडरिंग इन चीजों को ध्यान में रखते हुए, ट्रेवल एक्सपेंसेस, टाइम वेस्टेज और हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, ये प्रैक्टिकल ऑप्शन है और बेस्ट ऑप्शन है। ओपिनियन देने के बाद मैंने आपको कहा था ऑप्शनल है कि अगर आपको वार्निंग या कोई सजेशन देना चाहे। अब नेक्स्ट लाइन की तरफ देखिए, प्रोवाइडेड, बशर्ते लर्नर जो है, जो सीखने वाला है ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू, वो रेडी है और लेना चाहता है टेक्निकल गैजेट्स या रिक्वायरमेंट्स को, अगर वो रेडी है और जानता है कि उसको कैसे करना है तो ये सही है। तो ये एक तरह की वार्निंग भी आप ले सकते हैं या इसको सजेशन भी मान सकते हैं। तो ये होता है हमारा कंप्लीट 8 और 9 बैंड का कंक्लूजन पैराग्राफ एक ओपिनियन एसे का। तो सैंपल को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको दो ही चीजें इसमें दिखेंगी। एक जो मैंडेटरी थी ओपिनियन, दोबारा पैराफ्रेज करके डाली गई है। सेकेंड ऑप्शनल चीज एक लिखी गई है, सजेशन या वार्निंग। नाउ योर फेवरेट पार्ट ऑफ द वीडियो, आपको करना है एक असाइनमेंट। इस वीडियो में जो आपने सीखा कि कंक्लूजन कैसे लिखते हैं एक परफेक्ट एसे बनाने के लिए, आपको उसके ऊपर एक कंक्लूजन पैराग्राफ बनाना है। तो आपका असाइनमेंट इस क्वेश्चन के ऊपर है जो कि है एक ओपिनियन एसे। Social networking sites have had a huge impact on both the societies and individuals. इस essay के ऊपर आपको बनाना है सिर्फ और सिर्फ एक conclusion paragraph, जो भी आपकी opinion है। ध्यान रखिए opinion और optional है suggestion या warning। इस assignment को आप करेंगे और आप मुझे comment box में type करके इस assignment को भेजेंगे। मैं इसको evaluate करूंगी ताकि मुझे पता लगे कि जो मैं आपको सिखाया है आपको उसी तरह लैंड किया है ये। मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट लेसन में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।